श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुने नमः श्रीमद्वरवरमुने नमः श्रीवानमहाखिल महामुनिभ्यो नमः श्रीवानमहाखिल महामुनिभ्यो नमः श्रीपराशर भट्टार्य दिव्य चरणारविंद द्वंद्वमेव शरणमस्मदीयं सर्वदा सर्वथा वंदे गोविंद तातो मुनिमथ मनवे लक्ष्मणार्यं महांतं ध्यायेयं यामुनार्यं मम हृदि तनवे राममेवाभियायां पद्माक्षं प्रेक्षुषीय प्रथममपि मुनिं नाथमीडे षठायुं तौमि प्रेक्षेय लक्ष्मीं शरणमशरणः श्रीधरं संश्रयेयम्। गोविंद गोविंद प्रिय आत्मबंधुओं, आज पूर्वाह्न के प्रवचन तक हम 550 दिव्य नामों पर पहुंचे थे। चक्रगदाधर जो 550वां दिव्य नाम था, वहां तक हमने देखा था। आगे चलते हैं। 59वां जो श्लोक है, उस श्लोक में प्रवेश करके वेधास्वांगो अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनो। वेधाः इस श्लोक में पहला दिव्य नाम है। एवं विविधम अनंत महाविभवम नित्यं विदधाति इति वेधाः। विदधाति इति वेधाः, सदा विचीर्ण करता है। किसको विचीर्ण करता है माने, एवं विविधम अनंत महाविभवम नित्यं विदधाति। पिछले दिव्य नामों में हमें जो देखा उसका जो अपार प्रभाव है, वैसे निरवधि प्रभाव को सदा अपने लिए करने वाला, आश्रितों के लिए भी करने वाला जो है, माने स्वयं भी ऐसा ही सदा विदीप्त रहता है और जो आश्रित लोग हैं उनको भी सारूप्य सायुज्य वगैरह देकर प्रदान करके विराज जो आता है, इस कारण से उसको यहां वेधाः शब्द बताता है। स्वांगः यथा तत्रैव समग्र स्वाधार असाधारण अंगम छत्रचामरादि सर्व आशीराज्य परिबर्ह जातम नित्यमस्य इति स्वांग। चक्रगदा धरत्व रूपम जो भगवान का है उसको उस नाम से हमने मालूम किया। और ऐसे ही समस्त वैभव को अपने लिए भी धारण करता है और धारण कराता है अपने आश्रितों को, मुक्त नित्य आत्माओं को। इस संबंधी और एक शब्द यहां पाते हैं, दिव्य नाम पाते हैं, स्वांगः। केवल कुछ अंशों में नहीं, पूरी अपनी मूर्ति, माने ऐसा कहा जाता है कि वहां
पहुंचने पर, विरजा के उस पार पहुंचने पर, भगवान के दरबार तक जाते समय इतने लोग भगवान का वर्णन जैसा किया हुआ है, शंकर चक्र गदाधरत्वेन और बाकी स्वरूप निरूपक जो मूर्ति है, परम सुंदर मूर्ति, वैसे ही लोग इधर उधर विचरण करते हैं, कैंकर्य करते हैं असंख्येय रूप में। कौन भगवान है, कौन मुक्त है, कौन नित्यात्मा, ये नित्य शुद्धि है, हमें भेदभाव ही नहीं मालूम होता, ऐसा कहा जाता है, ऐसा परमधाम की परिस्थिति कही जाती है ना। श्री स्वांगहा सभी प्रकार की अपनी ही मूर्तियों को विविध रूप से स्वयं धारण करता है अपने आश्रितों के मन को बहलाने के लिए, और उनको भी धारण करवाता है, केवल एकाध पदार्थों को देकर तृप्त नहीं होता। इसको बताने वाला शब्द है स्वांगः। अजितः, ऐसे सभी विभवों को कहां देता है भगवान, माने ये सारूप्य सायुज्य सालोक्य वगैरह सभी विभवों को वहां देता है जहां उसके उसकी राजधानी को, उसके साम्राज्य को, परमपद साम्राज्य को अजित अपराजित शब्द से कहा जाता है। वैसे अपराजिता नामक अपनी राजधानी से युक्त जो भगवान विराजता है, वहां सदा सान्निध्य देकर जो विराजता है, उसको कहने वाला शब्द है अजितः। अजित शब्द से, अपराजित शब्द से उसके नगर को, उसके स्थान को बताया गया है पुराणों में, भगवत शास्त्र में। पुरम हिरण्मयीं ब्रह्म विवेश अपराजिता ऐसा, और स्वयं इनका भी वचन है, मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, जहां उन्होंने अपने ही वचन को नहीं दिखाया है, दूसरी जगह श्री गुण रत्न कोष नामक एक बहुत बढ़िया इनका भाष्यकार का जो अद्वितीय बागविलास वाला स्तोत्र है हमारी अम्बा के प्रति, श्री महालक्ष्मी के प्रति, उसमें ऐसा ही वर्णन ये भी करते हैं। यद दूरे मनसो यदेव तमसः पारे यद अत्यद्भुतम् यद कालादपजयलिमं सुरपुरी यद गच्छतो दुर्गति सायुज्यस्य यदेव सूचिरथवा, ऐसा कहते हैं ये यायोध्येत्यपराजिते विजिता नाकं परेण स्थिता भावेर अद्भुत भोग भूम गगने सांद्रा सुधास्यन्ति ताम राजधानीं विदुः, इनका ही वचन है। तो अयोध्या, अजिता, अपराजिता, ये सब समानार्थक शब्द हैं। उस परमपद साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो अद्वितीय नगरी विराजती है उसका नाम है, वहां सदा सान्निध्य करके अनुग्रह करने वाला मुक्त आत्माओं को, नित्य सूर्यों को, वैसा भगवान अजित शब्द का अर्थ है। इसी शब्द को लेकर जैसे राम नाम को, बहुत पुराना नाम जो रहा राम नाम, उसको वशिष्ठ के उपदेश के अनुसार जैसे दशरथ चक्रवर्ती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को रखा था, वैसे ही उसके कौशल देश की राजधानी को भी अयोध्या नाम रखा था उनके पूर्वजों ने। अयोध्या साक्षात परमपद की राजधानी है,
उस स्वरूप में विराजमाना जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी अयोध्या, उसका नाम इसीलिए रखा था। माने किसी शत्रु के द्वारा उस पर विजय पाना असंभव है, कोई शत्रु वहां प्रवेश नहीं कर सकता। माने वहां पूर्ण रूप से मित्रता भाव ही व्याप्त है, शत्रुता किसी के दिल में नहीं होता, कोई शत्रु वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम, नगरी का नाम अयोध्या, अपराजिता, अजिता पड़ा है। तन्मय मेघ मेचक चारुवर्ण कृष्ण शामी मेदिनी पार्थ भूत्वा कृष्णायसो महान कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तेन कृष्णोऽहम् अर्जुन। अजितः उसके आगे कृष्णः, वेधास्वांगो अजित कृष्णः। कृष्णः यहां भी उसके कान्हा के रूप में अवतार काल में भी वही नाम रखा गया था, जो आदिदेव विराजते भगवान अपने परमधाम में, उनको भी कृष्ण कहलाता है। रंग के कारण श्यामलो मेघ, मेघ श्यामल कहलाता है ना। वैसा वर्ण जिसका है, स्वरूप का वर्ण, वैसे ही यहां इस अवतार में भी अपने वर्ण को भगवान ने बना दिया था। और दूसरा एक, दूसरी एक व्युत्पत्ति है उसके लिए, उसको दिखाने वाला प्रमाण यहां लिया हुआ है भाष्यकार के द्वारा। कृष्णामी मेदिनी पार्थ भूत्वा कृष्णायसो महान, इस मेदिनी को वराह अवतार में और बाकी अवतारों में उद्धार करके, और उसमें मैं परिष्कृति करने के लिए कृष्ण रूपी ये आयस पदार्थ जो हल होता है, इसीलिए उसके प्रतीक के रूप में कृष्णावतार में उसके भैया के माने अग्रज के रूप में हम देखते हैं बलभद्र राम को, हरायुद्ध वाला। वैसे स्वयं जो विराजा, उसी का प्रतीक है ये सब बाकी विभावतारों में, इसकी भी सूचना करने वाला एक शब्द है कृष्ण। ये सब अप्राकृतिक शरीर जो उनका है, ये अप्राकृतिक शरीर में जो जो मूर्तियां हैं, जो जो दिव्य मंगल विग्रह भगवान ने धारण किया, सब क्रमशः ऐसे उन्नत स्वरूपों को दिखाने वाले शब्दों को हम देख रहे हैं, याद रखने की बात है। और वही बाद में जाकर के विभव अवतार में भी स्वीकृत होकर के आज तक प्रसिद्ध विराजते हैं, वही नाम विराजते हैं, कृष्ण राम वगैरह को भी, इसको भी ध्यान में रखें। दृढ़ संकर्षणों अच्युत, उसके बाद दृढ़ दृढ़ स्थूल बलयो हो, ऐसा जो कहा हुआ है वैयाकरण लोगों ने, जो उनके द्वारा जो कहा हुआ है,
उसके मुताबिक अर्थ देखें तो दृढ़ अविचलित जो है भगवान, माने इन मूर्तियां अप्राकृतिक होने के नाते उसमें कोई विकार नहीं होता। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूप रूपाय, उष्ण में सर्वजिष्ण में हम अनुसंधान करते हैं ना शुरू में ही, कुछ लोगों का प्रधान रूप से जो अनुसंधान करते हैं पदापदे अविकार आया, ऐसा कोई विकार नहीं होता है, एकदम सुदृढ़ रूप से ये स्वरूप भक्तों के सामने दर्शन देने वाले होते हैं। वैसे स्वरूपों को धारण करने वाला जो भगवान है अपनी इच्छा से संकल्प से, उसको यहां दृढ़ शब्द बताता है। कई एवं संकर्षण संसारे चितजितो हो आत्मनि समाकर्षणात् समम कर्षम नयति इति संकर्षण, समान रूप से सभी पदार्थों को ऐसे विभवों के कारण, नित्य विभवों के कारण आकृष्ट करके अपने साथ सदा रखने वाला, सृष्टि के लिए स्थिति के लिए इस धरती की स्थिरता के लिए लीला विभूति के लिए और परमधाम के लिए भी उसको संकर्षण कहते हैं। इसीलिए व्यूह भगवानों में वासुदेव के बाद संकर्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, हम पहले देख चुके हैं। यहां उसी की याद दिलाने वाला शब्द इस संदर्भ में संकर्षण शब्द जो है दिव्य नाम, उसको हम देखते हैं। अच्युत व्यूहे भी च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मान् न च्यवसे स्थान तस्मात् संकीर्त्यते अच्युत, कथन के मुताबिक पौराणिक कथन के मुताबिक अच्युत माने दृढ़ रूपी जो है उसी का दूसरा शब्द वर्णन करने वाला अच्युत शब्द यहां दिव्य नाम के रूप में लिया गया है। बाकी लोग च्यवन वाले हैं माने किसी एक काल के बीत जाने पर वो उस स्थान से उनका च्यवन हो जाता है, च्युति हो जाती है, फिसल जाते हैं, छोड़ना पड़ता है, वैसी परिस्थिति कदापि भगवान को नहीं है। इसको और एक बार हम समझें, अवबुद्ध करें, विदित करें, इसलिए इस शब्द का प्रयोग यहां किया है। अच्युत न च्यवते इति अच्युत, और दूसरा भी अर्थ है न च्यावयति इति अच्युत, अच्युत उस रूप में भी ले सकते हैं। अपने ही जो मुक्त लोग बन गए और नित्य सूर्य सदा उनके समान सदा विराजते हैं वहां परमधाम में, उनको भी ऐसा च्यवन, ब्रह्मा जी से भी वो उत्कृष्ट हैं, वैसी महत्ता, वैसा बड़प्पन उनको भी प्रदान किया है भगवान ने। इसको भी समझाने वाला शब्द होता है यहां अच्युत। येनावृतं खंत्य दिवं महींच प्रसिद्ध औपनिषद वाक्य है, तेनेदम आवृतम, इसी को कहने वाला आगे का शब्द है वरुण। वरुण माने आवरण के रूप में सदा इन सब की, अपनी ही अप्राकृतिक सृष्टि को भी आवरण के रूप में स्वयं रहकर रक्षा करने वाला है। अप्राकृतिक होने से होने के बावजूद उनकी रक्षा करना भी, जैसे प्राकृतिक वस्तुओं की सृष्टि करने के बाद संरक्षण भी इसका बहुत प्रधान, विष्णु का प्रधान कर्म होता है ना, कर्तव्य होता है ना, जगत सृष्टि स्थिति संहार ऐसी गणना में। वैसे यहां भी अप्राकृतिक जो दिव्य मंगल वगैरह वगैरह होते हैं उनको आवरण करके, माने कोई भी वहां सरके नहीं, अयोग्य व्यक्ति कभी भी
उसके पास सरक नहीं सकता, इसको दिखाने वाला शब्द है वरुणा। वारुण ऐसे सम स्वामित्व वृणुते वरुण तत्र भव वारुण, ऐसे इस आवरण में पढ़कर पूरी रक्षा जो पाने वाले बड़े भागवत लोग हैं, मुक्तात्मा हैं, नित्य सूर्य लोग हैं, असंख्य गण हैं जिनके, उनके द्वारा इसी का वरण किया जाता है अपने नेता के रूप में भगवान को ही। इतना बड़ा सारूप्य सायुज्य वगैरह समानता पाने के बावजूद उस तत्व को परतत्व को खूब समझने वाले लोग वो ही होते हैं। तो एक भगवान जो विराजता है अद्वितीय निस्समाभ्यधिक विभववान जो होता है, वैसे भगवान को कहने वाला वारुण समस्थान में रहते हुए भी उस निस्सीम परतत्व को खूब समझने वाले लोगों के द्वारा जिनकी सदा पूजा की जाती है, अपने नेता के रूप में जिसको मानकर सब लोग चलते हैं, केवल देवता लोग ही नहीं, वहां देवताओं के भी देवता जो बड़े पुरुष नित्य सूर्य सदा रहने वाले भगवान के साथ, यहां से जो गए मुक्तात्मा वो सब इसी परतत्व को स्वामित्व न परिग्रहण करके नित्य पूजा जो करते हैं, वैसा प्रभाव इस भगवान का है, इसको दिखाने वाला शब्द है वारुण। तेषु चाप्यहम् उनको ऐसा परिपूर्ण अनुग्रह करने वाला मैं ही हूं, वहां भी अंतर्यामी होकर, अंतर्यामी तो जो बड़ा गुण है, यहां के इस लीला विभूति में आए हुए आत्मा चेतन जो है उनके ही अंतर्यामी नहीं, वहां भी अंतर्यामित्व वो करता है, अंतर्यामी रूप में विराजता है, उनका नियंत्रण उसी के हाथ में, परतत्व के ही हाथ में है। इस तत्व को भी सदा हम ध्यान में रखें, परंतु ये प्राकृतिक दुनिया है, वो अप्राकृतिक लोग है, इतना बड़ा व्यत्यास है। वृक्ष क्योंकि छाया तिरुवत आश्रिता नाम उपजीव्य सर्वस्व तत्कृत उपमर्द सर्व सहस्र सह वृक्ष थे वृक्ष। यहां इस लीला विभूति में आकर विभवावतार में जैसे भगवान विराज चाहे हम सुनते हैं, माने श्री राम की संगोष्ठी, उस संगोष्ठी में हर के प्रति जो प्रेम भाव दिखाते हुए कुशल प्रश्नादि करता है, से मिलता है जुलता है, अपने सौशील्य को महतो मंदई सह निरंध्रेण संश्लेष स्वभाव सौशील्य में कहा है। जो बहुत बड़ा व्यक्ति है वो ऐसे ही बहुत साधारण लोग जो माने जाते हैं उनके साथ मिलता है जुलता है, मिलनसार जो होता है, उस बड़े गुण को सौशील्य कहलाता है। उस सौशील्य को दिखाने वाला शब्द यहां वृक्ष है। छाया तरुवत बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अत्यंत विस्तृत है, उसकी छाया में बहुत सारे लोग आकर के विश्राम लेते हैं, और ऊपर भी पंछी हर शाखा में बड़ी संख्या में निवास करके आनंदित हो जाते हैं। पक्षी तरह तरह के पक्षी पंछी वहां निवास करते हैं, सबके लिए निवास स्थान होकर सबको आश्रय देकर सबकी रक्षा वो जो करता है बड़ा पेड़ छाया तरु, वैसे ही यहां भगवान की परिस्थिति होती है, इसको समझाने वाला शब्द है यहां वृक्ष। निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति,
ये प्रमाण लिया है स्पष्ट रूप में यहां। वृक्ष इव स्तब्धो जीवितिष्ठत्येक, यह उपनिषद वाक्य है, उसको भी लिया है भाष्य में। समाश्रिता ब्रह्मतरो अनंतादि निशंशय पक्व फल प्रपात, ऐसा भी एक लिया है। पुष्कराक्ष आगे, तेषा प्रसाद वर्षेण पोषके अक्षिणी इससे सह पुष्कराक्ष, ऐसे ही अप्राकृतिक उस दुनिया में भी जो अपने आश्रित लोग जो रहते हैं उनके ऊपर सदा अपने कटाक्ष का निपात करके वो जो ब्रह्मानंद है उस ब्रह्मानंद को उत्पन्न करने वाला जो भगवान है, अपने पुंडरीक नयनों के द्वारा दृष्टिपात करके उसको बताने वाला शब्द है यहां पुष्कराक्ष, माने उसके प्रसाद की दृष्टि से एकदम भगवान के प्रसाद की दृष्टि से अनुग्रह की भिक्षा से सदा पुष्टि पाते रहते हैं, हृष्ट पुष्ट सदा रहते हैं, आनंद में वृत्ति भर की कमी भी नहीं होती है उनके आनंद में, वैसा आनंद अपने पुंडरीकाक्षता के कारण वहां भी जो देता रहता है भगवान, उसको यहां पुष्कराक्ष शब्द बताता है। महामनाः तेषु अगाध उदार विस्तृत मनाः महामनाः, ऐसे करने के लिए जो औदार्यपूर्ण मन चाहिए, यहां भी देखते हैं विभावावतार वगैरह में देखते हैं, अर्चावतारों में देखते हैं, आचार्यों के द्वारा ऐसा ही वर्णन किया हुआ है, वैसा ही वहां भी उस स्थान में भी वैसी ही परिस्थिति सदा रहती है और उसके अनुसार उसका मन इतना विशाल होता है, एकदम अनुग्रह से परिपूर्ण कृपा से भरपूर जो होता है, इतना बड़ा मनस्वी जो होता है भगवान, उसको दिखाने वाला शब्द है महामनाः। फिर मेरे प्यारे आत्मबंधुओं और 60वां जो श्लोक है उसमें हमारा प्रवेश हो रहा है, और दिव्य नामों में 500 62 नामों को हमने देखा है, अनुभव किया है, उसके आगे हम चलते हैं 63वां जो दिव्य नाम है उसको देखने के लिए। भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तम, ये श्लोक है। भगवान एवं अशेष दोष विद्वेष कल्याण स्वरूपतया परम पूज्यो भगवान, इसका अर्थ है। भगवान शब्द का अर्थ है सबके लिए पूजनीय, सबके लिए परम आदर, परम पूजा, परम गौरव का जो पात्र सदा विराजता है, सभी मुक्तात्माओं के लिए, सभी नित्यात्माओं के लिए परमधाम में अपने श्री वैकुंठ लोक में, वैसे परतत्व को श्रीमन नारायण को बताने वाला शब्द है भगवान। भगहा ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च षण्णाम भगतीर्ण, जैसे ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर तेजाम सशेषतः भग शब्द से वाच्यानि, ऐसा भी एक कथन है हम देख चुके हैं, ऐसे यहां कुछ थोड़ा सा फर्क है। ऐश्वर्य
वीर्य यश श्री श्री को भी यहां मिला दिया, क्योंकि परमधाम है यहां। श्री वैकुंठ लोक में बहुत बड़ी बात यही होती है। बाकी यहां विभवावतार वगैरह में भी हम देखते हैं देव माने देवत्व देवदेह है मनुष्यत्व मानुष उष्णोदेहान रूपा में करोत्यश आत्मनस्तन श्री देवी का नित्य संबंध तो होता ही है, परंतु वहां जो नित्य संबंध में वो अनूठा है अनोखा है अत्याश्चर्यभूत जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में श्री का बहुत निकट संबंध होता है ना, इसलिए श्री को भी यहां मिला दिया है छह षाड्गुण्य में। वैसे षाड्गुण्य से सदा विराजमान जो है उसको भगहा शब्द कहता है। नंदी एवमसो व्यूहे संकर्षण स्वावतारे नंदगोपेन पितृमान नंदी। वैसे ही परमधाम में अपने परम व्योम में विराजमान अप्राकृतिक लोक में अप्राकृतिक शरीर के साथ अप्राकृतिक सभी गुणों के साथ सभी वैभवों के साथ प्रभावों के साथ महिमाओं के साथ जो विराजता है, इसको हम पिछले दिव्य नामों में देख चुके हैं। वही संकर्षण व्यूह व्यूह में संकर्षण वही बनता है और सर्वाकर्षक रूप में विराजमान भगवान। और फिर विभवावतार में नंद को अपने पिताजी के रूप में जिसने चुन लिया था, वैसे नंद को वैसा बड़ा भाग्य देने वाला जो है वो नंदी, नंद को अपने पिता के रूप में पाने वाला साक्षात हमारा कान्हा जो है कृष्ण परमात्मा, उसको कहने वाला शब्द है नंदी। और एक शब्द एक अर्थ भी दे सकते हैं नंदी, वहां से वो कहां ये जो गोकुल कहां इतना बड़ा व्यत्यास रखने वाले एक स्थान में परम सौलभ्य को दिखाते हुए आने के बाद भगवान को स्वयं जो आनंद मिला, यानी साधारण तौर पर बहुत बड़ी परिस्थिति में रहकर बहुत छोटी परिस्थिति में अगर कोई पहुंच जाता है, माने कोई बड़ा धनी रहता है राजा रहता है रंक बन जाता है बाद में दुर्भाग्यवश, तब वो आनंद जो पिछला आनंद जो रहा एकदम गायब हो जाता है या तो बहुत घट जाता है, वैसी बात नहीं होती। विभवावतार में कान्हा के अवतार में वही आनंद रहा जो आनंद भगवान को अपने परम व्योम में रहा वही आनंद रहा, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे अर्थ में भी हम नंदी शब्द को ले सकते हैं।